सर मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरे साथ में मेरे फूफा जी थे, तो मेरे पास बैग था मेरे गोल्ड का। मैंने उनको 2 मिनट के लिए पकड़ा, मैंने कहा मैं अंदर चश्मा लेके आ रहा हूँ 1 मिनट में। अंदर गया यानी अब 20 से 25 सेकंड नहीं हुए होंगे मेरे हिसाब से। मैं अंदर गया, बाहर आया और वो फूफा जी यहाँ खड़े हुए थे। वो बंदा कोई था, उसने बोला कि आपके पैसे गिर गए, ड्राइवर साहब के जो गिर गए अभी। वो आगे पैसे लेने आया, उधर से गेट खोल के वो बैग लेकर रवाना हो गया। एक सिंगल जना था लड़का, बस 20 से 22-23 साल की उम्र थी करीब। क्या पहना हुआ था? शर्ट पहना हुआ था, वो इतना मैं कंफर्म नहीं हूँ। बाइक पे नहीं, पैदल था वो लड़का। क्या क्या था बैग में आपके? बैग में थोड़ा कैश था, 30-40 हज़ार रुपये, 50 से 60 ग्राम 100 ग्राम के बीच सोना था। लगभग कितने का माल गया? अप्रोक्स 3-1 लाख रुपये। कहाँ की घटना ये? यहीं की। पड़ाव। कौन सी दुकान है आपकी? नियम की तो जरूरत नया बाजार में। आपका नाम? राहुल। मुझे राहुल सोनी है, जिनकी अपने नया बाजार में सोने चांदी की दुकान है, और हरिभाई उपाध्याय नगर में रहते हैं। वो अपने फूफा जी के साथ यहाँ पर कृष्णा ऑप्टिकल पड़ाव में आए थे, जिनके पास एक बैग था। वो अपना चश्मा लेने के लिए जब दुकान के अंदर गए और वो फूफा जी अपना बैग लेके बैठे थे, उसी वक्त एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि जो ड्राइवर उतर के गया है कार में से, राहुल नाम जो है, वो व्यक्ति ड्राइवर के पैसे गिर गए हैं। तो उसके फूफा जी ने वो पैसे उठाने के लिए बैग को नीचे रख कर सीट पे और पैसे उठाने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने पैसे उठाए तो एक व्यक्ति है जो वो उनके गाड़ी में से, कार में से बैग उठा के ले गया है। फुटेज हमने देखे हैं, उन फुटेज के अंदर ऐसे 3 व्यक्ति संदिग्ध आ रहे हैं, जो इधर से पड़ाव से टिप टॉप वाली जो होटल की गली है उससे मदार गेट की तरफ गए हैं, और बैग उन्होंने रास्ते में कहीं फेंक दिया है। उस बैग के बारे में जानकारी मिली है, उसके आधार पर हम आगे वाले सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। और जो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास प्राप्त हुए हैं वो कुछ दूरी के हैं। हम जो इन दुकानदार हैं जिनके यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, उनके आधार पर उनके चेहरा जिसमें दिख रहा हो ऐसे फुटेज लेकर संदिग्धों के समय, मैं पहले बोल लूँ, संदिग्धों को जो और संदिग्ध थाना क्षेत्र के, उनसे हम उनकी फ़ोटोज़ की मिलान करेंगे। नहीं, अभी सुना है, वो फुटेज में आया है, कहीं किसी को भेजा है हमने। बैग जिसने उठाया है वो माल तो छोड़ के क्यों जाएगा? बैग मिलेगा हमको, तब उसके बाद हम बता पाएंगे कि उसके अंदर माल है या नहीं।